पुरुषों से करोड़ों गुना बलवान होती हैं स्त्रियां। स्त्रियां चाहें तो पुरुषों को यूं मच्छर की तरह मसल सकती हैं। पुरुष में कोई बल नहीं होता। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा करोड़ों गुना बलवान होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। आप लोग अपनी शक्ति पहचानती नहीं हो। स्त्री सारी दुनिया को अपने पीछे लाइन पे खड़ी कर सकती है, और कर सकती है क्या, कर ही रही है। सास तो रोती रोती आई मेरे पास, महाराज मेरे बेटे को मेरी बहू ने कौन सा पाठ पढ़ा दिया। जब से आई है मेरा बेटा बात नहीं करता मेरे से, पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र दे दिया। तो उसने महीने भर में ही बस में कर लिया, चल अब मेरे आगे पीछे डोल। अब वो डोलता है, आगे पीछे डोलता है भवनों की तरह। तो ये स्त्री का चमत्कार है, स्त्री चमत्कारी होती है। स्त्री किसी की तरफ देख ले तो वो सामने वाला पागल हो जाता है। इसलिए साधु पुरुषों को, समझदार लोगों को किसी भी पर स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए स्त्री के मुख को देखने से मना किया जाता है। स्त्री को घूंघट की परंपरा क्यों डलवाई गई कि तुम घूंघट में रहा करो, क्योंकि तुम घूंघट में नहीं रहोगी तो ये पुरुष पुरुष नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपको देखकर ये पागल ना हो जाए। इसलिए स्त्री घूंघट में, पहले परंपरा थी कि घूंघट में रहा करें ताकि कोई पुरुष देख करके आपको आपको परेशान ना करे और वो खुद भी परेशान ना हो, क्योंकि स्त्री के अंदर मोहिनी शक्ति होती है। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, स्त्री के अंदर क्या शक्ति होती है, वो मोहित कर लेती है। इसलिए स्त्रियों के मुख को कभी नहीं देखना चाहिए, हमेशा पराई स्त्री के चरणों को देखना चाहिए। लक्ष्मण जी जब भी माता सीता से बात करते थे तो मुख को देखकर नहीं, चरणों को देखकर के बात करते थे। ये परंपरा रही है हमारी भारतीय, ये मर्यादा। स्त्री के मुख को केवल उसका पति देख सकता है। आप आश्चर्य मानेंगे, आज भी गांव में ऐसी परंपरा है कि बहू का मुंह सास नहीं देखती, मतलब सास अपनी बहू का मुंह नहीं देख पाती, वो सास के आगे भी घूंघट करके रखती है। ऐसी कितनी सासें हैं जो अपनी बहू को बिना घूंघट के पहचान ही नहीं सकती, उसकी आवाज से जान सकती हैं, चेहरे से नहीं, देखा ही नहीं। मतलब ऐसी ऐसी मर्यादाएं, अब तो इन मर्यादाओं की जरूरत नहीं। मतलब आज तो ये कहा जाता है कि आप घूंघट डाले हैं, मतलब समाज ये कहती है कि भाई स्त्रियों पर आप अत्याचार कर रहे हैं। बात सही भी है, इतना भी घूंघट डालने की आज के युग में जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले जो डाला जाता था वो केवल इस मर्यादा के लिए कि एक पतिव्रता नारी, एक श्रेष्ठ विचार वाली स्त्री ये सोचती है कि उसे किसी को अपने आप को दिखाने की जरूरत भी तो नहीं पड़ती ना, है ना। इसलिए स्त्री जब सजती है, सवरती है तो सिर्फ अपने पति के लिए, वो किसी और के लिए नहीं सजती सवरती। इसलिए घर के बाहर जाया करो तो नौकरानी बनके, और घर में रहा करो पति के लिए तो महारानी बनके। लेकिन आज उल्टा होता, घर में रहेगी नौकरानियों की तरह और बाहर निकलेगी तो। आज के लोग घर वाले को दिखाने नहीं चाहते कि हम देखो तुम्हारे लिए सजे, अहो बाहर चली सच के, तो बाहर वालों को दिखाना है क्या। इसलिए स्त्री के चरणों को देखने की परंपरा। इसलिए अपने बच्चों को ये सिखाया करो कि बेटा हमेशा स्त्रियों के
स्त्रियों से ज्यादा देर तक ना आंखें ना मिले किसी से। कुछ लोग ना बिल्कुल घूरते रहते हैं, और आजकल आप लोगों को सिखाया भी यही गया है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल परंपराएं तो वहां से बिगड़ गई ना। आजकल देखना तो सिखाते ही नहीं है, क्या सिखाते हैं, ताकना सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता, देखो जरा बुद्धि खराब हो गई लिखने वालों की और गाने वालों की। कह रहे हैं चांद का टुकड़ा रहता, लो सामने वाली खिड़की में पड़ोसन रहती है, चांद का टुकड़ा नहीं रहता, और उसको देखोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। इसी चक्कर में रावण गया था चांद का टुकड़ा उठाने, सर्वनाश हो गया था। रावण भी तो चांद का टुकड़ा उठाने गया रहा, सर्वनाश हुआ, तुम्हारा नहीं होगा। पर स्त्री पैनी छुरी, पर स्त्री पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से बच के रहना है, पराई पुरुष से बच के रहना है। बच्चों को सिखाओ ये सब चीजें काम आएंगी। तो क्या स्त्री के चरणों का ही दर्शन करना चाहिए, किसका दर्शन करना चाहिए, चरणों का। और यदि देखना है तो अपनी बहन के भाव से देखो, देखना है तो आप मेरी बहन है मैं इसलिए आपको देख सकता हूं, या फिर माँ, आप मेरी माँ है तो मैं आपको देख सकता हूं, या फिर आप मेरी बेटी हो, बेटी के तुल्य हो तो मैं आपको देख सकता हूं, या तो फिर दृष्टि बदले, या तो मुझे देखने का, मुझे आपको देखने का अधिकार तब मिलेगा जब मैं आपको माँ बहन या बेटी इस रूप में देखूं। यदि मैं आपको विषय वासना की दृष्टि से देख रहा हूं तो मुझे आपको देखने का अधिकार नहीं है। और माँ और बहन और बेटी के रूप में भी देखूं तो भी चरण ही देखने का अधिकार है। लक्ष्मण जी तो माँ मानते थे ना माता सीता को, तो क्या देखते थे, सिर्फ चरण। मतलब इतनी श्रेष्ठ मर्यादा हम सनातनियों की जो है अपने धर्म से आपको परिचित करा रहे हैं कि हमारी कितनी श्रेष्ठ मर्यादा रही है।